सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास फरियाद लेकर प्रदेश भर से लोग पहुंचे। सीएम गहलोत ने सभी फरियादियों की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहां पर मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाते हुए यहां पर पहुंचे। पिछले दिनों की वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी जब जोधपुर के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और यहां पर एक स्कूली छात्रा ने पुलिस की उनसे शिकायत की थी और तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। और ऐसी ही उम्मीदें लगाते हुए यहां पर तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं। सीएम गहलोत आज एक निजी विवाह समारोह में शामिल होने मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचे सीएम ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी राज में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है लेकिन मोदी सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। तो वहीं लोकतंत्र के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस राज में इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर भी खालिस्तान नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने 70 साल तक देश का लोकतंत्र बचाए रखा। देखिए, ये लोग जिस तरीके उतर गए हैं देश के अंदर, इनको कोई चिंता नहीं देश के भविष्य की, देश के अंदर जो आर्थिक रूप से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, नौकरियां लगने भी नौकरी जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, राहुल बजाज ने क्या कहा, आज मिस्टर पूर्व गवर्नर आरबीआई मिस्टर रघुराम राजन ने क्या कहा, अब उसके बाद में अगर इनको चिंता नहीं होती है तो आप सोच सकते हो कि इनकी सोच क्या है, किस दिशा में मुल्क को ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ बने थे, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बार बार सैनिकों का शासन हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री को जेल हुई, फांसी पर फिर चढ़ा दिया गया भुट्टो साहब को। इस मुल्क में 70 साल के बाद में भी लोकतंत्र मजबूत रहा है, क्यों रहा है? इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री वो शहीद हो गए और नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। ये मुल्क एक बार खंड रहा है, ये नहीं भूलना चाहिए इन लोगों को। इनका खुद का क्या योगदान है, इनका योगदान क्या है देश के आजादी के जंग के अंदर और आजादी के बाद में।